नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। इजराइल और फिलिस्तीन के मुस्लिम आतंकियों के संगठन हमास के बीच संघर्ष विराम हो चुका है। 10 दिनों तक चले इस संघर्ष में 240 से ज्यादा दहशतगर्द हुरों की तलाश में प्रस्थान कर गए हैं। दोनों ओर शांति व्याप्त होने के बाद भी हुरों के पास जाने का यह सिलसिला अभी भी जारी है। अब भी कई मुस्लिम आतंकी गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका पर्चा कभी भी कट सकता है। पर इसी बीच मोदी सरकार पर इजराइल मॉडल अपनाने का दबाव पड़ने लगा है। इजराइल का मॉडल यही था कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संघर्ष विराम का दबाव बढ़ाए, तब तक हमास को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया जाए। इजराइल अपने इस मकसद में कामयाब हुआ और हमास के मुस्लिम आतंकियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब विशेषज्ञ सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं कि भारत को भी पाकिस्तान के मुसलमान आतंकियों पर काबू पाने के लिए इजराइल और मोसद मॉडल को अपनाना चाहिए। कहा तो यह भी जा रहा है कि इजराइल ने बहुत पहले ही ऐसी पेशकश की थी जिसके तहत पाकिस्तान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोका जा सकता था, लेकिन बुद्ध के कमंडल से भरमाए और गांधी की लोटी से शरमाए भारत ने वह मौका गंवा दिया। दरअसल भारत में 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया। इसके बाद 1977 में वे आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हारी थी और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई थी। यह सरकार गांधी के चेले मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी थी। मोरारजी देसाई पाकिस्तान के मुल्ला नेताओं की तरह चालबाज और धूर्त नहीं थे, बल्कि उनकी आंखों पर गांधी के ऐनक वाले सेम फ्रेम का चश्मा था। वह हिंदू मुस्लिम भाईचारे के बकवास स्लोगन के मुर्गन थे। उस दौरान 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के बाद भारत की खुफिया एजेंसी रो देश के नेताओं की निगरानी कर रही थी। रो को शक था कि इस युद्ध में देश के कई मुस्लिम नेताओं ने पाकिस्तान की खातिर जासूसी की थी। हिंदू मुस्लिम भाईचारे के नाम पर मान बनने वाले हिंदू नेताओं की देश में यूं भी भरमार रही है। ऐसे में सरकार बनते ही मोरारजी देसाई ने रो के पर कतरने शुरू कर दिए। इसके तहत रो के बजट में 30% तक की कटौती कर दी गई, मगर रो ने गुपचुप रूप से पाकिस्तान के खिलाफ अपना अभियान जारी रखा। रो को पता चल चुका था कि पाकिस्तान परमाणु संयंत्र बना रहा है, इसलिए उसे रोकने हेतु एक गुप्त अभियान लॉन्च किया गया। साल 1977 में रो के एक एजेंट को पाकिस्तान के कोटा परमाणु संयंत्र का ब्लूप्रिंट मिल गया था। उसने रो को देने के लिए बदले में $10,000 की मांग की थी। 70 के दशक में $10,000 एक बड़ी रकम समझी जाती थी। रो के बजट में कमी की जा चुकी थी, इसलिए प्रधानमंत्री तक यह जानकारी पहुंचना लाजमी था। परंतु गांधी का चेला मोरारजी देसाई देश से जुड़ी इस खुफिया जानकारी को गोपनीय नहीं रख सका। अपनी बकलोली के चलते उसने पाक के सैन्य शासक जियाउल हक को फोन किया और कहा कि उसे मालूम है कि कोटा में पाकिस्तान परमाणु संयंत्र बना रहा है। पाकिस्तानी टोपीबाजों के DNA में मक्कारी और गद्दारी भरपूर मात्रा में शामिल होती है। जनरल जिया समझ गए कि पाकिस्तान का भांडा फूट चुका है और देश का कोई गद्दार भारत से जाकर मिल गया है। पाकिस्तान ने जल्दी उस एजेंट को पकड़ लिया और मौत के घाट उतार दिया। खास बात यह है कि एजेंट के पास ब्लूप्रिंट भी मिल गया। पर इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी रो ने अपना अभियान जारी रखा। आपको बता दें कि कोटा इस्लामाबाद के नजदीक पड़ता है। रो के एजेंटों ने कोटा के उस सैलून से बालों के सैंपल हासिल किए जहां पर इस संयंत्र के परमाणु वैज्ञानिक अपने बाल कटवाने जाते थे। उनके बाल के सैंपल को भारत भेजा गया, जहां वैज्ञानिक परीक्षणों से मालूम चला कि उनके बालों में रेडियो एक्टिव गुण मौजूद थे, जिससे स्पष्ट हो रहा था कि ये वैज्ञानिक जहां काम कर रहे हैं वहां परमाणु संयंत्र संबंधित अभियान चलाया जा रहा है। पर सवाल यही है कि क्या भारत को इजराइल ने ऐसे किसी मिशन में मदद की पेशकश की थी जिसके तहत पाकिस्तान का परमाणु संयंत्र नष्ट किया जा सकता था। आपको बता दें कि 7 जून 1981 में इजराइल ने फ्रांस और इटली के सहयोग से इराक में बन रहे परमाणु संयंत्र को हवाई अटैक करके नष्ट कर दिया था। इराक के ओसरिक में स्थित परमाणु संयंत्र पर इजराइल ने 16 बम गिराए थे, जिसमें संयंत्र तो तबाह हुआ ही था, इराक के 11 सैनिक और एक फ्रांसीसी नागरिक की मौत भी हुई थी। इस हमले के बाद इजराइल की दुनिया में जमकर आलोचना हुई थी, मगर उस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो सकी थी। बताया जाता है कि फरवरी 1983 में भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने गुप्त रूप से इजराइल का दौरा किया था। इस दौरे के दौरान भारतीय सैन्य अधिकारियों ने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के बारे में जानने की कोशिश की थी जो कोटा संयंत्र की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पता लगा सके। इजराइल ने भारत को पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों के बारे में तकनीकी जानकारी दी थी। वहीं उसके बदले में भारत ने इजराइल को MiG-23 विमान के बारे में जानकारी मुहैया कराई थी। इजराइल को सोवियत विमान के बारे में जानकारी भी इसलिए जरूरत थी क्योंकि पड़ोस के अरब देशों के पास यही विमान मौजूद था।
इसके बाद इजराइल और भारत ने यह तय किया था कि पाकिस्तान के कोटा परमाणु संयंत्र को मिलकर तबाह किया जाएगा। इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्लान बनाया गया, जिसके अनुसार 6 F-16 लड़ाकू विमान और 6 F-15 विमान इजराइल के हाइफा से उड़ान भरकर दक्षिण अरब सागर के रास्ते जामनगर में लैंड कराए जाएंगे, जहां इसके पायलट और सदस्य आराम करेंगे और जरूरी बदलाव किया जाएगा। इसी दौरान इजरायली वायुसेना का कार्गो विमान C-17 जम्मू और कश्मीर के उधमपुर हवाई अड्डे पर विस्फोटक और अन्य उपकरणों के साथ लैंड करेगा। F-16 विमान को जामनगर से उड़कर हवा में ईंधन भरते हुए उधमपुर पहुंचना था। यहां से इन विमानों को पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश करना था। पर्वतीय इलाकों से गुजरने की वजह से रडार से बचने की पूरी संभावना थी। जब ये विमान पर्वतीय इलाकों से खुले में आते तो तब 2 F-16 विमान कोटा परमाणु संयंत्र पर बम गिरा देते। इस दौरान F-15 विमान हवा में मंडराते रहते और पाकिस्तानी वायुसेना की किसी कार्रवाई का जवाब देते। परंतु गांधी के देश के नेताओं ने मुस्लिम वोटों के डर की वजह से अपने कदम वापस खींच लिए। भारत ने कहा कि इस हमले से कहीं मुस्लिम जगत में उसकी खाट ना उधड़ जाए। इजराइल ने भारत को यहां तक कहा था कि इस मिशन में इस्तेमाल होने वाले विमानों पर उसके सैन्य चिन्ह रहेंगे और भारत को सिर्फ उसे अपना सैन्य बेस उपलब्ध कराना है। इजराइल ने यह भी प्रस्ताव दिया था कि अगर इससे भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ा तो इजराइल साथ मिलकर लड़ने को भी तैयार है। दरअसल इजराइल भी पाकिस्तान के परमाणु अभियान को अपने लिए खतरा समझ रहा था। उसे भय था कि पाकिस्तान इराक, लीबिया, ईरान तक अपने एटम बम को पहुंचा सकता है, परंतु तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस मिशन को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकी। कहने वाले तो यही कहते हैं कि उस दौरान उनकी पार्टी में कई पाकिस्तान हितैषी मुस्लिम नेता मौजूद थे। उन्होंने यह सूचना पाकिस्तान तक पहुंचा दी थी, इसलिए इजराइल भारत का यह मिशन पूरा नहीं हो सका। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार खुद को सवाल पूछे, क्या उनका यह रास्ता सही था? उनकी प्रवृत्ति योग्य थी? लेकिन अब वक्त की मांग है कि हमें अपने कर्तव्यों, अपने दायित्वों पर भी उतना ही बल देना है।